शगुन और मुझ में जो अधूरी बात रह गई थी वो ये शगुन पूरा करेगी और इल्जाम जाएगा शिता पर। वाह, शिता पागल हो चुकी है और शगुन वापस आ चुकी है और लकी हम आए। अब तक तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया रमन, लेकिन अब एक आखिरी बार जिसके बाद सब कुछ खत्म, और इस मौके का फायदा मैं बहुत अच्छी तरह उठाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा रमन, यू आर डन। रमन, ये क्या कपड़े निकाले आपने? ब्लैक शर्ट बोरिंग, मैं दूसरा देती हूँ। आप ना रमन, ये व्हाइट वाला पहनो। ऑब्वियसली आपके इस ग्रे सूट के साथ यही ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या हुआ रमन? यार ये क्या करते हो आप? रमन लाओ कभी बाईपास थोड़ी हो रहा है मेरा। प्लीज यार आप ख्याल रखा करो रमन, ऐसे मत किया करो। शो रमन, सीरियसली आप कैसे करते हो? प्लीज आप थोड़ा केयरफुल रहा करो, कितना खून बह रहा है आप देखो ना। एक मिनट गहरा कटा है रमन, एक मिनट बैंडेज लगाती हूँ। आप ना नेक्स्ट टाइम मुझे बोल देना, आपसे नहीं होता ये सब कुछ। आप ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो खुद पे। आप हो हीरो लेकिन प्लीज ये सब आप ध्यान से किया करो। लो दिखाओ, बांध रही हूँ, ज्यादा टाइट लगेगा तो बताना। हूँ लग रही है कैसे कर लेते हो आप ये सब कुछ? मेरी मेडिसिन थोड़ी सी चोट भी शायद लगी। हो गए शुरू। दवाई ऐसी हो तो तुम्हें जिंदगी भर बीमार होने को दे। क्या सोच रहे? दर्द ज्यादा हो, एक आध और डोज दे। काम पे नहीं जाना है रमन, आप भी ना। अभी तुम मेरे घर आ सकते हो प्लीज? कुछ स्पेशल पता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ यार। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ। इसी तरह इतनी नॉर्मल हो गई है कि माँ आपको याद है मुझे पहले कैसे डांटती थी? तो आज मेरे हाथ में चोट लगी है, बिल्कुल उसी तरह डांटा है, दवाई लगाई है, बैंडेज लगाई है एंड बातें भी बिल्कुल ऐसी कर रही है। रमन क्या वाकई इशिता बिल्कुल ठीक हो गई है? बिल्कुल ठीक हो गई। आर यू श्योर रमन? 100% श्योर यार। तो क्या मैं एक बार इशिता से मिल सकता हूँ? इवन आई वांट टू बी श्योर। सी मी, बुलाओ उसे। तुम जानती हो ना आप
जी मैं प्रतीक शर्मा आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहने के लिए आया हूँ। हाँ रमन ने मिलवाया था ना उस दिन। हाँ। मुझे रमन बता रहा था कि आप एक बहुत अच्छी डेंटिस्ट है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इलाज करवाना था, आप मेरा इलाज करेंगे? नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि रमन के हिसाब से मैं तो अच्छी डेंटिस्ट हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ दांत उखाड़ना चाहती हूँ। नहीं इनफैक्ट काफी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने आपके बारे में। थैंक गॉड आई एम रिलीव्ड। वैसे इनके हाथ का पालक पनीर खा के देखो, शायद दांत उखाड़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे टूट गए। क्या रमन एक भी मौका नहीं छोड़ते आप। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट आप मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, मैं देख लूंगी एक बार आपको, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेंगे। श्योर थैंक यू। अच्छा मैं एक मिनट, आई वो चटनी बनाने बोला था उसे मैं देखती हूँ इंग्रेडिएंट सही डाला है, एक मिनट आती हूँ मैं। देखा था हमेशा ऐसी होती है। हाँ वैसे तो इसी तरह नॉर्मल लग रही है। रमन तू जाके ये खुशखबरी संदन को सुना, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ बच्चों को भी ले आता हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। माँ कुछ मीठा बनाई, कुछ धमाकेदार करते हैं शाम को। तूने बिल्कुल ठीक बोला पुत्र, धमाका तो वाकई होना चाहिए, उंज भी दिवाली का माहौल है, ते बच्चे बेचारे मायूस बैठे। ठीक है चलो होना खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, ठीक है ना? प्रतीक दिस इज द बेस्ट दिवाली, थैंक यू सो मच। तुम बैठो चाय पियो, मैं दूर जाता हूँ। आज कितने दिनों बाद रमन को खुश देखा है, कलेजे में ठंड पै गई। थैंक यू पुत्र, जिंदा रहो। बैजा पुत्र बैजा, अरे चाह पी, मैं तेरे लिए ना पनीर के पकौड़े बना के लाती हूँ। रमन ने मुझे बोला वो मेरी इशू ठीक हो गई है। हाँ यार मुबारक, वो ठीक हो गई है। पता है प्रतीक भी इधर सी, उसने भी बोला कि इशिता बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, जब भी तक इतनी सारी चीजें बना रही हो, देख हम ना दिवाली पार्टी करेंगे, तू भी आ जाना। स्टॉप स्टॉप, इशू आज अपने अम्मा के घर का आएगी। संतोषी तुम भी आना और देखना, हम तमिल लोग दिवाली खाई से सेलिब्रेट करते हैं कितना कल्चर के साथ, ये पंजाबी वालों जैसा नहीं है, लाउड गाना लाउड म्यूजिक सब लाउड है। ओए रहने दे, देखा है तेरा कल्चर, दादा दादा क्या तीर चला लेगी, क्या बना लेगी तू, वो पायसम और वो सड़े तेरे बड़े। आदम रहना, ये चिकन काके और दारू पी के पार्टी हो सकती है क्या? ओए ओ पावे खुश हुए, हमारी पार्टियों में दम होता है, तुम्हारी तरह नहीं बोरियत के टोकरे। अयो मेरी बोरियत, मेरी बोरियत का टोकरी नहीं, लड्डू की टोकरी। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अयो ईशु मैं क्या बोर है, मैं इतना अच्छा पायसम बनाऊंगी तुम मेरे पास ही आएगी देखना। हाँ बता दे इशिता, बता दे अपनी अम्मा को कि आज तो उसके घर नहीं खाएगी, तू मेरे घर खाएगी, क्योंकि इसका पायसम मेरे हलवे का मुकाबला नहीं कर सकता। उल्लू बना दिया ना तुम दोनों को। ओ यार हम लड़ थोड़ी रहे यार, जब तक मधु से लड़ाई नहीं होती लगता ही नहीं कि नॉर्मल है, इतना मजा आ रहा था है ना। जाओ यार सारा मजा खराब कर दिया, इतने दिनों से बात लग रहा सी कि घर में सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है। संतोषी तुम्हारे साथ फाइट करने से मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। चल चल फिर इस गाल से कॉफी पीते हैं। चल भाई नीलू मेरे लिए, मेरी मधुबाला के लिए कॉफी ले गया। चल भाई चल। लो बताओ इन लोगों का टाइम पास हो गया और हम लोगों की जान ऊपर नीचे हो गई। अच्छा सुनो, आदि और रूही का सामान अभी सारिका लेकर आ रही है भल्ला हाउस। क्या है कि वंदु किसी होलसेल शॉप से पटाखे लेकर आई है, और ये सारे पटाखे मैंने डिवाइड कर दिए हैं बच्चों के हिसाब से, ताकि इस चीज को लेकर वो ना लड़े। ठीक है थैंक यू जीजू। हाँ ये ले लो और उन लोगों रूम में रखवा दो। हाँ नीलू ये रूही आदि के कमरे में रख के आओ। ठीक अच्छा तुम काम करवाओ, बाकी का मैं निकलता हूँ क्लासेस। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।